अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसन एंड द नाइटमेयर इज ओवर। पाकिस्तान को इनिंग शिकस्त का सामना करना पड़ा और दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने 500 रन बनाए उसके बावजूद इनिंग से शिकस्त हुई। मेरे साथ आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब मुल्तान से हैं और कामरान अकमल ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले शाहिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे, इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम। बात यही हो रही थी लंच तक चलेगा या लंच के बाद जाएगा। जो बुरी क्रिकेट पाकिस्तान ने ओवरऑल खेली है, किस किस चीज़ पर बात करें, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरी सिचुएशन है और हमारी टेस्ट क्रिकेट बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। लेकिन ये 2-3 साल से नज़र आ रहा था, फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे थे, एनालिस्ट कह रहे थे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई और हम पिचों के मामले में बड़ा बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम फास्ट बॉलर से जीतेंगे टेस्ट मैच, क्या हम स्पिनर से जीतेंगे टेस्ट मैच। जी बिल्कुल, ये तो सारी चल रही हैं शाहिद साहब। इशू यही है कि अगर आप बैटिंग की बात करते हैं वो मसला, वो तो बहुत अरसे से हमारी एक बीमारी है। बॉलिंग की बात करते हैं तो आपके पास रेड बॉल के अच्छे बॉलर्स ही नहीं हैं। आप कप्तानी की बात करते हैं तो वो भी हम मुसलसल फेल हो रहे हैं। 6 टेस्ट मैचेस हो गए और शान मसूद जो है वो जीत नहीं पा रहे अपनी कप्तानी में। कामरान अकमल भी हमारे साथ है, कामरान से बात करते हैं। कामरान, बहुत बहुत ज़्यादा शर्मनाक शिकस्त एक बार फिर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा और बहुत मेरे ख्याल से एम्बैरेसमेंट है हम लोगों को, जिन्हें पाकिस्तानी, हमारी क्रिकेट ऐसी नहीं है। लेकिन जो आपने बताया इंट्रो में कि हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि ये इंग्लैंड टीम ऐसा करेगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा था कि जब 556 हो गए थे कि एटलीस्ट पाकिस्तान टीम हारेगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि चले अब जीतेंगी नहीं, ड्रॉ हो जाएगा, तो सही बात। लेकिन आप पिच को कैसे ब्लेम दे सकते हैं, मुझे एक बार बताएं। पिच 4.25 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। आप ब्लेम दें अपने सिस्टम को, आप ब्लेम दें अपने प्लेयर्स को, आप ब्लेम दें उनके माइंड सेट को कि वो किस माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं। क्या जीतने के लिए खेल रहे हैं कि पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने के लिए खेल रहे हैं? क्या दुनिया अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जीतने के लिए, तो वो जीत ही रहे हैं। दुनिया क्रिकेट खेल अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। क्या रिकॉर्ड बने नहीं है? जितनी सीरीज पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान में हुई है, सबसे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेल रही है। बिल्कुल सही बात है शाहिद साहब। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम होम में दुनिया की सबसे बदतरीन टीम बन गए हैं और जो आ रहा है वो इस बुरी तरह आ रहा है। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि अभी शान मसूद का जो जुमला आया है आपने सुना होगा। पहले शान मसूद ने क्या कहा है वो आपको दिखा देते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आप एक्सपेक्टेशन फैंस बताते हैं। इधर हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो पिच है बहुत जल्दी टूटना शुरू करेगी, मे बी डे 2 के एंड पे, डे 3 के स्टार्ट पे। इसलिए हमने कोशिश भी की कि फर्स्ट इनिंग्स को हम जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हम करें। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने 20 आउट किए। ये आप नहीं कह सकते कि इस पे 20 आउट नहीं हो सकते। 20 आउट किए बगैर टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। सिंपल, बैट और बॉल का मुकाबला नहीं है। बैटिंग भी हमारी है, बॉलिंग भी हमारी है, फील्डिंग भी हमारी है। इस वक्त अब्रार की कंडीशन काफी खराब रही है, हॉस्पिटलाइज्ड है वो। ऑब्वियसली हम रिफ्लेक्ट करेंगे आज के क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या चीज बेहतर हो सकती है, ग्राउंडमैन से बात करेंगे। शाहिद साहब, शान मसूद ने कहा कि हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो 2022 में इंग्लैंड हमारे साथ करके गया था उससे हमने कुछ नहीं सीखा। बस अब आप यही कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट दूसरी थी, वो हेड कोच दूसरा था, वो कप्तान दूसरा था। अब हमने तो पता नहीं कि वो उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन वाकई उस सीरीज से बहुत से सबक सीखने चाहिए थे और अभी बांग्लादेश की सीरीज से बहुत से सबक सीखने चाहिए थे। लेकिन हम ना तो सबक सीख रहे हैं ना हम होमवर्क कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप 20 विकेटें लेते हैं तो आप टेस्ट मैच जीते हैं। इंग्लैंड ने तरीके निकाले 20 विकेटें लेने के, हमारे बॉलर्स ने तरीके नहीं निकाले। हमारा स्पिनर बिल्कुल गैर मुअसर साबित हुआ, हमारे फास्ट बॉलर्स ने जान जरूर मारी है, लेकिन अगर उनको आप इस तरह की पिच देंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ना तो उन्होंने 5 दिन की क्रिकेट खेली, वो तो अभी 10 ओवर की वनडे चैंपियंस कप खेल कर आ रहे हैं, उनके साथ भी ज्यादती है। नसीम शाह ने आउट कर दिया था रूट को, अच्छी खासी बॉल लगी थी, वो अंपायर्स कॉल पर चली गई, वो पाकिस्तान के साथ बड़ी बदनसीबी थी। फिर 186 पर जब जो रूट थे उस वक्त नसीम शाह की गेंद पे बाबर आजम ने एक आसान कैच छोड़ दिया और उसके बाद 200 रन और बने उस पार्टनरशिप पे, तो चांसेस तो क्रिएट हुए। लेकिन इस पिच पर और मैथ्स पढ़कर साइंस का इम्तिहान देने जाएंगे तो नंबर 0 होगा।
बिल्कुल सही है, लेकिन कामरान सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ठीक है पिच तो दोनों टीमों के लिए बराबर थी, और बात ये आ रही है कि मुल्तान की गर्मी में इंग्लैंड की टीम को परेशान होना चाहिए था, उनकी हवाइयाँ उड़नी चाहिए थी, ये उल्टा कैसे हो गया? वो करा रहे हैं तो एक अच्छे चैनल पे करा रहे हैं, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हमारे ठीक है चांसेस आए हम अवेल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमसे बहुत बेहतर इस कंडीशन को यूज़ किया। हर टीम ही कर रही है, बांग्लादेश जैसी टीम बेहतर कंडीशन यूज करती रही है, गेम प्लान उनका अच्छा रहा, गेम अवेयरनेस उनकी अच्छी रही है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रही है, फिटनेस लेवल अच्छा रहा। देखिए ये सारा जो आपके पास जो ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास बॉलर ने क्या जान मारी है मुझे एक बात बताए, ग्राउंड का कोई कोना छोड़ा नहीं है जहाँ पे फील्डर ना भाग सके, पूरी ग्राउंड के चक्कर लगवा दिए, एक लाइन पे बॉलिंग नहीं की। इंग्लैंड टीम ने भी बॉलिंग तो की है ना, लेकिन उनका ये कंडीशन काम इसलिए आई है, ये एक्सपीरियंस इसलिए काम आया इस ऐसी पिच पे कि उनके पास एक्सक्यूज नहीं है, उनके पास ये है कि हमने लड़ना कैसे, जीतना कैसे, परफॉर्मेंस कैसे करनी है, उनके पास एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का, 40-40, 50-50 मैच उनके 4 डे के, इट्स मीन के 3 से 4 साल वो डोमेस्टिक खेल के आए हैं, उनका फिटनेस लेवल उनको हर कंडीशन में खेल के आए हैं। हम लोग आप देख ले 4-4, 5-5 साल हमारे फास्ट बॉलरों को हो गए हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट इतनी नहीं खेलते ना डोमेस्टिक को, आप देख ले अंदाजा लगा ले कि हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, हमारे 6 बॉलरों को 100 रन हो गए हैं, क्या कोई सोच सकता है कि जिस टीम ने 550+ रन किए हो, 3 सेंचुरी हो, 150 वो टेस्ट मैच हार जाए, इसका मतलब कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप किस खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, आप जीतने के लिए खेल रहे, आप अपने अपने जोन से निकल ही नहीं रहे, आप दूसरों को आप उनके मुकाबले पे जाके नहीं खेल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स, बात वही है कि हमने ना हमने अच्छी क्रिकेट खेली है ना हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे, और आगे भी वक्त बुरा ही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल क्लूलेस, और आपका कोई प्लान आपने सोचा नहीं, आपने नहीं किया, जैसे मैं जी जी कहिए बात कहना चाह रहा हूँ जी। देखिए नजीब, जब तक हम लोग क्यूज खत्म नहीं करेंगे, कंडीशन अच्छी नहीं है, पिच अच्छी नहीं है, दुनिया की कोई टीम ऐसे नहीं करती जो हम लोग बातें कर रहे होते हैं, हम लोग एज अ मीडिया एज ए एक्स क्रिकेटर, हम पाकिस्तान की आवाम को इन प्लेयरों को सोचना पड़ेगा कि जैसी मर्जी पिच हो हमने आउट करके देनी है, इन एक्सपीरियंस बॉलिंग इंग्लैंड की आउट कर सकती है, तो हम ये ब्लेम नहीं दे सकते कि पिच अच्छी नहीं है बैट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साथ थे, कामरान अकमल हमारे साथ थे, और वक्त थोड़ा कम था लेकिन ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, और आगे भी हालात कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।